नमस्ते खम्बागिनी, अस्सलाम वालेकुम, केम छो केरो हाल, कैसे का? मैं हूं करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन एंड आप देख रहे हैं मेरे साथ में बॉलीवुड की खबरें लगातार। मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 28 अगस्त 2020 को दीपक तिजोरी जी का जन्मदिन था, तो ढेर सारी शुभकामनाएं दीपक तिजोरी जी हमारी ओर से। और मैं आपको बता दूं कि कल दीपक तिजोरी हो गए हैं 59 ईयर्स के। जी हाँ, 59 ईयर्स के दीपक तिजोरी हो गए। बॉलीवुड में उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। उन्होंने करीबन 60 मूवीज की है। जी हाँ, 60 मूवीज करते हुए उन्होंने करीबन वास्तव, खिलाड़ी, जो जीता वही सिकंदर। अब जो जीता वही सिकंदर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले चलते हैं अक्षय कुमार की तरफ। तो बॉलीवुड जो बॉस कहलाते हैं, बॉलीवुड के बॉस अक्षय कुमार, वो करीबन साल में 3 से 4 पिक्चर आजकल कर रहे हैं एंड उनकी रेवेन्यू होती है करीबन 150 से 200 करोड़ हर मूवी की। लेकिन एक ऐसा समय था जहां पर दीपक तिजोरी एक्टर ने दी थी अक्षय कुमार को मात। वो कैसे दी थी मैं आपको बता दूं कि मंसूर खान जो है जो जीता वही सिकंदर के लिए ऑडिशंस ले रहे थे, मल्होत्रा जो है कैरेक्टर उसके लिए, वहां पर अक्षय कुमार गए थे, वहां पर मिलिंद सोमन भी गए थे, लेकिन अक्षय कुमार ने काफी ज्यादा ट्राई किया था, काफी बार ऑडिशंस दिए, लेकिन जो रोल है वो मिला दीपक तिजोरी को। यानी कि दीपक तिजोरी अक्षय कुमार से जीत कर वो रोल लेकर गए और आमिर खान के साथ में उन्होंने काम करने का मौका पाया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पर अक्षय कुमार जो है अगर उस वक्त अगर सिलेक्ट हो जाते ऑडिशंस में, तो हो सकता है कि दीपक तिजोरी की जगह पर वहां पर आप देख सकते थे आमिर खान और अक्षय कुमार की जोड़ी। ये भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट की बात होती थी, अक्षय कुमार और आमिर खान एक साथ, जो कभी भी कभी नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दीपक तिजोरी ने भी काफी मूवीज की है, जिसमें से हाल ही में उन्होंने एक सीरीज में भी काम किया इल्लीगल, जहां पर उन्होंने एक पिता का रोल किया, जहां पर उसके जो बेटे है वो ड्रग्स ले रहा है और मर्डर के इल्जाम में फंस रहा है, लेकिन वो उनको किसी किसी तरह से वो उनको बचा रहे हैं। तो ये जो काफी सारा जो स्ट्रगल है वो दीपक तिजोरी ने किया है। लेकिन दीपक तिजोरी को हम सभी पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा कामयाबी पाई है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। देखते रहे बॉलीवुड की खबरें मेरे साथ में एंकर करण रजानी, बॉलीवुड चैनल, बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। टेक केयर एंड गुड बाय।